जय मसीह की। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन में से पुराने नियम के पुस्तकों के नाम के अर्थ को देखेंगे। उत्पत्ति का अर्थ होता है शुरुआत में। निर्गमन को इंग्लिश में हम एक्सोडस कहते हैं और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एक और दूसरा है ओडोस। एक का मतलब होता है आउट या बाहर और ओडोस का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। इसका अर्थ है मार्ग से बाहर निकलना। और यहाँ परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र के मार्ग से बाहर निकाला। लेवी व्यवस्था का अर्थ होता है लेवियों को दी गई व्यवस्था। गिनती की पुस्तक को हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं और इसे हिब्रू भाषा में बमिदबार कहते हैं, जिसका अर्थ है जंगल में या इन द डेजर्ट। व्यवस्था विवरण को हम इंग्लिश में ड्यूट्रोनॉमी कहते हैं और ये इंग्लिश शब्द दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है ड्यूट्रोस, जिसका अर्थ होता है सेकेंड, और दूसरा है नोमोस, जिसका अर्थ होता है नियम। अब देखिए, इसराइलियों ने परमेश्वर के प्रेम के विपरीत अनाज्ञाकारिता दिखाई, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वादे के देश में नहीं पहुंचाया। और इस जंगल के मार्ग में जो नई पीढ़ी उत्पन्न हुई, जब वो बड़े तो मूसा ने फिर से उन्हें व्यवस्था पढ़ के सुनाई। लेकिन हिब्रू भाषा में हम इस पुस्तक को देवाखीम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे शब्द। यहोशु का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। न्यायियों जजस का अर्थ होता है न्याय करने वाला। रूत का अर्थ होता है दोस्ती। सैमुएल का अर्थ होता है परमेश्वर ने सुना या परमेश्वर का नाम है। किंग्स का अर्थ होता है राजाओं, और इस पुस्तक में हम राजाओं के बारे में देखते हैं। इतिहास को हिब्रू भाषा में दिव्रे हयीम कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है दिनों के बहुत सारे शब्द, वर्ड्स ऑफ द डेज। इज़रा का अर्थ होता है मदद। नहमिया का अर्थ है परमेश्वर की सांत्वना या कंफर्ट ऑफ गॉड। एस्तेर शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आता है, जिसका अर्थ होता है तारा। और एस्तेर का नाम हिब्रू भाषा में हदस्सा है, जिसका अर्थ होता है मेहंदी या मर्टर। अय्यूब का अर्थ है सताया हुआ या घृणित। भजन संहिता का अर्थ होता है स्तुति। नीति वचन का अर्थ होता है बुद्धि। सबोपदेशक का अर्थ है सभा को उपदेश देने वाला। श्रेष्ठ गीत का अर्थ होता है गीतों के गीत। यशया का अर्थ होता है यहोवा ही उद्धार करता है या यहोवा बचाता है। जर्मया का अर्थ होता है परमेश्वर उठ खड़ा होगा। विलाप गीत को इब्रानी भाषा में एखा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हाय, और हाय जो है एक दुख भरा शब्द है। यहेजकेल का अर्थ होता है परमेश्वर सामर्थ देगा। दानियल का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा न्यायी है। होशे का अर्थ होता है उद्धार। योएल का मतलब होता है यहोवा परमेश्वर है। आमोस का मतलब होता है उठाने वाला या बोझ का उठाने वाला। ओबदा जो है वो दो इब्रानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला ओबेद, जिसका अर्थ होता है दास, और दूसरा है याह, जिसका अर्थ होता है याहवे। ओबदा का अर्थ होता है परमेश्वर का दास। योना का अर्थ होता है कबूतर। मीका दो इब्रानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मी, जिसका अर्थ है हु या कौन, और दूसरा है खा, जिसका अर्थ है लाइक या जैसा। तो इस नाम का अर्थ हुआ परमेश्वर जैसा कौन है। नहुम मतलब सांत्वना। हबक्कुक मतलब है आलिंगन। सफनिया का अर्थ होता है यहोवा छिप गया। हागे हिब्रू भाषा के शब्द हाग से आता है, जिसका अर्थ होता है पर्व या त्योहार। जकरिया का अर्थ होता है परमेश्वर याद करता है, और मलाकी का अर्थ होता है मेरा संदेशवाहक। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।